हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11C से। गिवन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में स्वाति बोरोड रुपीज़ 40,960 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। इफ़ द बैंक चार्जेस 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे आफ्टर 1.5 ईयर्स? ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है जो चीज़ें वो हमने लिख ली हैं। प्रिंसिपल है रुपीज़ 40,960, रेट है यहाँ पे 12.5% पर एनम। मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया है, 12 2 जा 24 प्लस 125/2% पर एनम। सो यहाँ पे रेट, क्योंकि हमें हाफ ईयरली फाइंड करना है, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है, उसके लिए आर अपॉन टू हो जाएगा, मीन्स 25/2 ऑलरेडी था, अपॉन में 2 हो जाएगा, मीन्स 25/2 × 2% पर हाफ ईयर इज इक्वल टू 25/4% पर हाफ ईयर हो गया। अब टाइम यहाँ पे जिसको हमने एन से डिनोट किया वो है 1.5 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, सो 1.5 ईयर में यहाँ पे 3 हाफ ईयर हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1.5 ईयर को 2 × 2 + 1 = 3/2 ईयर्स। एज वी नो, जब हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है इंटरेस्ट को, देन एन जो है 2n हो जाता है, मीन्स 3/2 × 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे 3 हाफ ईयर्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे टाइम जो है 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू होता है p × 1 + r/100 की होल पावर n। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल 40,960 × 1 + आर यहाँ पे मीन्स r/2, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 25/4%, वो हमने पुट कर दी, × 100 हो जाएगा की होल पावर 3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे n या 2n की वैल्यू जो है वो है 3 हाफ ईयर्स। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 16 होगा, मीन्स 1 + 1/16 की होल पावर 3 इंटू दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 × 1 = 16 + 1 = 17/16 की होल पावर 3 इंटू दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमें ए इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया है 49,130 रुपीज़। नेक्स्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, जो कि होता है a - p, मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वैल्यूज पुट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 49,130 माइनस में प्रिंसिपल गिवन है 40,960, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में CI मिल जाएगा 8,170 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।